नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के शब्दों में हम बात करने वाला हूँ, तंबाकू खाने से क्या नुकसान होता है, निकोटीन से कौन सी बीमारी होती है। जो निकोटीन हम तंबाकू खाते हैं उसके अंदर, या तंबाकू खाते हैं, पीते हैं, किसी भी तरह से हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट हर तरह से तंबाकू का सेवन होता है, तो निकोटीन हर तंबाकू के अंदर मिलती है। तो निकोटीन से कौन सी बीमारी होती है। गैर संचारी रोग NCD, जैसे कि इस्कीमिक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, पुरानी सांस की बीमारियां इत्यादि विश्व स्तर पर होने वाले मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो कि तंबाकू के सेवन के साथ जुड़ी हुई है। देखा जाता है जो तंबाकू खाने वाले हैं उनको अधिकतर श्वास की बीमारी होती है, यानी कि श्वास फूलने लगता है, तो उससे भी काफी समस्या दिक्कत होती है। तो श्वास की बीमारी बहुत घातक बीमारी है। अगर आप लोग भी तंबाकू खा रहे हैं या खाने के विचार कर रहे हैं तो ना खाएं, खा रहे हैं तो छोड़ दें, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ नुकसान करेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर करें।